अस्सलाम वालेकुम। आज जो है सेवन गली के अंदर एक हादसे में जो है मासूम बच्ची की जान चली गई। इससे पहले भी एक दो वक्त ऐसे ही वाकयात हुए और इस सिलसिले में जो है हम लास्ट टाइम जो एक बार पीछे अल खैर के पीछे जो है कॉलोनी है पीछे वहाँ पर जो है फेंसिंग के रास्ते मिलिट्री का एतराज़ होने की तरफ से वो कॉन्ट्रैक्ट भी चले गया। MLA साहब सेंक्शन कराए थे वो काम कराने के बाद मिलिट्री वाले एतराज़ करे उसकी वजह से होगा। मिलिट्री वालों की ये अहदेदारों की लापरवाही और चूंकि ये कुत्ते जो है रात के वक्त आते और GHMC वाले दिन में गाड़ियां भी जाते। परसों लास्ट मीटिंग में है रमज़ान की जो मीटिंग थी उसके अंदर MLA साहब और मैं भी बोला, दोनों बोले कि जो है ये कुत्ते रात में आते इसके वास्ते कुछ ना कुछ मसले का हल निकालना। तो जोनल कमिश्नर ये बोले कि तवक्कुन दिए कि इंशाल्लाह जो है रात में भी हम जो है एक टीम को अरेंज करेंगे जिसके ज़रिए से जो है रात में जो कुत्ते आ रहे हैं उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि बराबर एक मासूम बच्चे की जान चलेगी। मैं उस ख़ानदान को जो है सब्र जमील का जो है तलखीन करता हूँ। मैं जो है महल्ले वालों से भी जो है गुजारिश करता हूँ ये वाक़े जो है ये GTMC की लापरवाही और ख़ास तौर से मिलिट्री वालों की जो है अहदेदारों की लापरवाही की वजह से तमाम महल्ले को जो है मुश्किल का सामना करना पड़ा। और जो है आगे इंशाल्लाह हमारी जहाँ तक कोशिश होती और जहाँ तक फेंसिंग कराना है मैं जोनल कमिश्नर से MLA साहब के ज़रिए से बोल के जोनल कमिश्नर से जो है जहाँ फेंसिंग की ज़रूरत है वहाँ पर फेंसिंग कराएंगे। जितनी सेफ्टी हो सकती कोशिश करके जो है आगे कुत्तों के जैसे जो है और मज़ीद हमारे बच्चों को नुकसान नहीं होना ऐसा करेंगे। मैं जो है इन्हीं मिलिट्री वालों को भी एक बार इंस्पेक्शन कराएंगे क्योंकि काफ़ी मुश्किल से ये गली के अलावा भी पीछे की जो गली है वहाँ पर भी जो है बड़ी तकलीफ हो रही और बार बार जो है शिकायतें आ रही हैं। और जो है हम लास्ट 10 दिन पहले भी गाड़ी भिजाए मगर गाड़ी भिजाने से मकसद नहीं हो रहा। कुत्ते रात में नहीं दिन में चले हैं। चमसी वालों का और उन लोगों से हटके यहाँ पर अतराफ में जो सराउंडिंग मिलिट्री एरिया है तो वहाँ पर जो भी फेंसिंग कोई भी कुछ करने गए तो उन लोगों का ऑब्जेक्शन आ रहा। इस वजह से ज़्यादातर कुत्ते जो है मिलिट्री में पल रहे बढ़ रहे वहाँ से जो है महल्ले में आके बच्चों पर हमला इससे नहीं ऐसे तीन चार वाक़ात हो गए। और आज जो है ना एक बदखिस्मती से छोटा था 2.5 साल का बच्चा घर से बाहर निकला पूरा झुंड आके जो है पकड़ लिया उन लोगों को पकड़ के खींच के ले गए। खैर बच्चे जल्दी इमीडिएट फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल गोलकुंडा ले गए वहाँ पे सीरियस है बोलते उस नीलोफर हॉस्पिटल लेके गए वहाँ पर बच्चे को पूरा ट्रीटमेंट करे मगर बदकिस्मती से बच्चे की डेथ हो गई। ये एरिया का नाम क्या है? ये एरिया 7 गली बड़ा बाजार है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला यही है वहाँ गोलकुंडा 7 गली बड़ा बाजार का है। सबसे बड़ा मसला है सराउंडिंग जो मिलिट्री एरिया है उधर से बहुत सारे जो है हिस्से खुले हैं तो छोटे छोटे दीवारा हुए होने से कुत्ते जो है आ जा रहे पहले। मतलब कभी रात इलन के ऊपर आप कंप्लेंट नहीं करे? नहीं भाई बल्लिया वालों को करते बल्लिया की गाड़ी आई तो वो टाइम पे कुत्ते रहते नहीं रात में झुंड जमा होता इन लोगों का। अब जो मिलिट्री एरिया से जो आ रहे हैं आप उनको कभी ऐसा कंप्लेंट नहीं? अब उन लोगों का हमारे आप अपने तरफ से जो करना है हम लोग सेफ्टी कर ली। अब मिलिट्री वाले नहीं बोले हम लोग जाके समझिए। अब जितने हमारे इधर के थे अब 1-2-3 जगह और खुले हैं जो मिलिट्री की दीवार से अटैच है वो तो उसका जो है बंद हो गया तो शायद मैं समझ तो नहीं आते। और बल्लिया की गाड़ी आई भी तो जो है ना वो कुत्ते घटते नहीं मिलिट्री में इधर उधर चले आते वो लोग का टाइम है रात में या सुबह सुबह। अभी कंप्लेंट किया सर अभी? नहीं हमारे मुतल्लिका कारपोरेटर साहब कंप्लेंट करे आए थे गाड़ियाँ आके गए मगर कोई हासिल नहीं हुआ क्योंकि वो टाइमिंग ऐसी है कि जो है ना कुत्ते पकड़ ही नहीं सकते उन लोग रात में ज़्यादा जमा होते समझो। बस हमारी यही गुजारिश है कि जो है ना इसका कुछ भी मिलिट्री वालों से उन लोगों से जो है करके कुछ भी जो है करके महल्ले को जो है सेफ्टी। इससे 3-4 हादसे हो रहे और पूरे मासूम बच्चों का ही हुआ। एक की जान बचते जाते आते आई छोटी बच्ची थी एक अब ये तो बच्चा जो है 2.5 साल का था इसकी बहुत वाक़े हो गई। वालेकुम मेरा नाम मिर्जा नूरुल्लाह बेग है उर्फ नज़ीर पुकारते मेरे को नाना हूँ और मैं बच्चे का नाना हूँ। यहाँ पे आए दिन जो है ना वो दीवार कूद के कुत्ते आ रहे हैं और बच्चों को जो है ना पकड़ के वो लेके गए और मेरे नवासे को भी लेके गए पकड़ कर कुत्ता और उसमें जो है ना बच्चे का डेड हो गया। बच्चा जो है ना पहले दवाखाने में गोलकुंडा दवाखाने में दिए थे फिर उसके बाद वो लोग नीलोफर भेजे अब नीलोफर में उसके बॉडी है। तो हम लोग यही गुजारिश है आप लोगों से कि बच्चे खेलते छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। कितने साल का बच्चा था? 2.5 साल का बच्चा था। क्या नाम था बच्चे का? अनस अनस नाम था और मेरे छोटी बेटी का बेटा है।
कभी कंप्लेंट करे जीएचएमसी का ऐसा कुत्ते ऐसा ये आ रहे आते हैं। वो कुत्ते आने का टाइम अलग है और वो जीएमसी वाले टाइम अलग है। कुत्ते सुबह 6 बजे से यहाँ रहते हैं, 4 बजे 5 बजे रहते हैं और उन लोग 11 बजे आए तक पूरे गायब हो जाते हैं। अब तक ऐसे कितने हादसे हुए? इससे पहले तकरीबन इससे पहले भी एक हादसा हुआ बच्ची का, एक साल पहले एक बच्ची को जो है ना पकड़े थे, सर पकड़े थे। बड़े बड़े लोगों को भी अगर अकेले दिखे तो पकड़ लेते लेकर चले जा रहे हैं।